Good morning everyone. Today I am Nita Yadav from Suru School. Today I want to teach a topic कारक. So let's start topic कारक. कारक क्या होते हैं? वाक्य में शब्दों को आपस में जोड़ने वाले जो चिन्ह होते हैं उन्हें हम कारक चिन्ह कहते हैं, उन्हें परिसर्द भी कहा जाता है. अब कारक की डेफिनेशन क्या है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से पाया जाता है उसे हम कहते हैं कारक. अब जैसे इसकी उदाहरण के अनुसार के राम ने खाना खाया, वह पेड़ से फल तोड़ रहा है. अब इसमें जो ने है, कारक चिन्ह है, वो इन वाक शब्दों को आपस में जोड़ रहा है. अगर ने शब्द नहीं आएगा तो ये वाक्य अधूरा रह जाएगा. राम खाना खाया तो ये वाक्य पूरा नहीं है. वह पेड़ से फल तोड़ रहा है, इसमें अगर हम से को नहीं लिखेंगे तो क्या आएगा? वह पेड़ फल तोड़ रहा है, तो ये वाक्य अधूरा है. तो ये जो इनके बीच में जो निशान आते हैं, जो ये वर्ड आते हैं छोटे छोटे जिन्हें हम परिसर कहते हैं, ये हमारे वाक्य को जोड़ने का काम करता है. इसके कारक के 8 भेद हैं. जैसे पहला है इसका कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध, अब जैसे इन्हीं के भी क्या होते हैं चिन्ह होते हैं. जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, अधिकरण में पर संबंध का के, अधिकरण में पर संबंध का के की रारेरी संबोधन. संबोधन में क्या होता है? हे अरेरे, किसी को बुलाने के लिए. तो इसी के अकॉर्डिंग, इनके चिन्ह के अकॉर्डिंग ही इनके सेंटेंस बनाए जाते हैं. ये जो चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग, अधिकरण में पर संबोधन संबंध का के की हे अरे रे. ये इसके जो कारक परिसर्द चिन्ह है, इन्हीं के द्वारा ये जहां भी आपको नजर आए तो आप उस वाक्य में से जो है कारक चिन्ह अलग अलग कर सकते हैं. आज का ये छोटा सा टॉपिक था कारक का. मुझे अच्छा लगता है कि जैसे आपको अच्छे पसंद आया होगा. धन्यवाद.